We landed. So hey friends, welcome back to another gameplay video of Mortal Kombat XL. Why not go straight there? It exists in a different quantum state, slightly out of phase from our reality. It can't be reached by conventional means. What? तो जैसे जैसे ये गेम अपने एंड की तरफ जाता जा रहा है वैसे वैसे चैप्टर्स काफी मुश्किल होते जा रहे हैं. We will get it done. लेकिन तब भी अब तक ये गेम बहुत बढ़िया रहा है और इस गेम को खेलने में मुझे काफी मजा आया है. उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको भी वीडियो देखने में उतना ही मजा आया होगा क्योंकि ये गेम अब ज्यादा लंबा नहीं रह गया है. ज्यादा से ज्यादा 3 चैप्टर इसके रह गए होंगे. Moonlight walk in the woods. Another time it'd be relaxing. I wouldn't have pegged you for outdoorsy. My mother and I live near a forest a lot like this. Okay, तो इन दोनों की सेटिंग अब भी चालू है. After we wrap this up, we should go. Fuck me. We're grounded. That shockwave fried the leads. Then let's get going. We're almost out of time. ओके तो यहाँ पे ये पोर्टल गैंग फिर से आ गया तो मेरे ख्याल से यहाँ पे मुसीबत फिर से शुरू होने वाली है हमारे लिए. Bring them to me. अच्छा ये चारों जने शिनॉक को ढूंढने जा रहे हैं तो मेरे ख्याल से जो फाइनल फाइट शिनॉक के संग आएगी वो इन चारों में से किसी के संग ही आएगी क्योंकि और कोई कैरेक्टर तो उसकी तरफ जाता हुआ दिखाया ही नहीं है. ये चारों कैरेक्टर ही दिखाए हैं तो मतलब इन चारों में से कोई एक बंदा या बंदी लड़ेगा शिनॉक से फाइनल फाइट और फाइनल चैप्टर भी फिर उस पर ही बेस्ड होगा. मतलब तो जो फाइनल चैप्टर है वो मेरे ख्याल से कैसी केज के संग ही आएगा क्योंकि अभी तक कैसी केज के संग एक भी चैप्टर नहीं आया है तो मेरे ख्याल से जो फाइनल चैप्टर होगा उसमें हम कैसी केज की तरह ही खेलेंगे. ओके तो अब इस चमगादड़ के बच्चे के संग फाइट आएगी हमारी. यू हर्ट हिम, यू आंसर टू मी. ओके तो ये मिलिट्री कैरेक्टर है तो पहले इसके मूव्स देखने बड़े ज़रूरी हैं क्योंकि इनके मूव्स करने होते बड़े मुश्किल हैं. जैसा कि मैंने कहा था यार इसके मूव्स करने मुश्किल हैं, मुझे करने नहीं आ रहे हैं इसके मूव्स. तो यार ये वाला राउंड तो हार जाएंगे, मतलब लाइफ बिल्कुल ही नहीं बची है. कॉम्बोज देख लूँ एक बार, शायद जीत जाऊँ. नहीं, इस चैप्टर को, इस वाली फाइट को तो हम नहीं जीत पाएंगे, पक्की बात है. हार गए इस वाली फाइट को. यार बड़े मुश्किल है इसके मूव्स करने. ये वाली फाइट है वो तो मैं बस ये तुक्के में खेल रहा हूँ. सच्ची में मुझे इसका एक मूव करना नहीं आ रहा ढंग से. अब एक्सरे ही बचा सकता है, बस एक्सरे ही बचाएगा. कुछ भी कहो, मिलिट्री वालों के एक्सरे बड़े बढ़िया होते हैं, क्लासिक मूव्स होते हैं इनमें सब. तो यहाँ पे थोड़े स्पेशल मूव देख लेता हूँ. ओके तो चलो ये वाली फाइट तो जीत गया, फाइनल राउंड आ गया. यार तुक्के में खेल रहा हूँ सच्ची में इस वाली फाइट को, तो मैं बार बार मूव्स देखने पड़ रहे हैं इस चक्कर में. ओके तो ये वाला मूव अच्छा आया, अब पता नहीं मैंने कैसे किया लेकिन बस कर दिया. Yeah.
फाइट को तो बस अब हमें एक्सरे जिता सकता है। ओके तो एक्सरे आ गया है यहाँ पे। ओके तो मेरे ख्याल से अब तो इस वाली फाइट को जीत जाएंगे, एक्सरीज की पूरी लाइफ खत्म कर देगा। अब ये चूतिया अभी बच गया ये। चलो कोई बात नहीं, अगले में एक मुक्के में मर गया ये। Go crawl back under your rock, reptile. मुझे लगा ये साला फिर से चार पांच मुक्के खाने के बाद ही मरेगा। Stop. You need water. Lean your head back. Can you see? Yeah, it's fuzzy, but. ये भी का अपने पिताजी की तरह अंधा हो गया वो। Beautiful. अबे यार ये नई चिरांदा आ गई अब। अबे घेर लिया इन लोगों ने तो यार हमें। Lady's choice. I've got our Mac. You were spawn of Jackson Briggs. And damn proud of it. I know what you did to him. We took your father's arms. We will take all of you. We have you now. ये वाला चैप्टर भी काफी मुश्किल है। हाँ अगर इस चैप्टर में इस लड़की की जगह स्कॉर्पियन ऐसा कैरेक्टर कोई मिला होता तो इस चैप्टर को बहुत आसानी से जीत जाते, लेकिन अब क्या करें मिलिट्री वाला मिला है तो इसलिए ये चैप्टर खेलने में मुश्किल हो रही है। एक तो इसका ये एक्सरे ज्यादा डैमेज नहीं करता है। काफी बराबरी की फाइट है ये, जीत भी सकते हैं हार भी सकते हैं। एक तो इस कैरेक्टर के कोई लॉन्ग रेंज अटैक नहीं है ना तो इसलिए भी बड़ी दिक्कत हो रही है। ओके तो चलो फाइनल फाइट है, ये वाली भी जीत गए हम। यार कितने कर रहे फाइटर्स हैं इस चैप्टर में, मतलब जितने भी फाइटर्स लड़ने के लिए आ रहे हैं सब एक से बढ़िया फाइटर्स आ रहे हैं। यार मैं तो सोच रहा हूँ लास्ट चैप्टर जो होगा वो कितना मुश्किल होगा, जब ये वाला चैप्टर इतना मुश्किल है तो। No more tricks. Just a straight up beat down. यार सच्ची बता रहा हूँ जितने भी कैरेक्टर्स मैंने अब तक इस गेम में खेले हैं उसमें सबसे बेकार कैरेक्टर ये लड़की का ही लगा मुझे। मतलब यार इसके मूव्स बहुत ज़्यादा गंदे हैं, एक तो होते हैं गंदे और एक होते हैं बहुत ज़्यादा गंदे, तो ये बहुत ज़्यादा के भी ज़्यादा गंदे हैं। मुँह पे इसने डंडा और मार दिया, वैसे इतने पिट रही थी वो। Come strong or not at all. Yeah.
ओके तो एक्सरे आ गया, यहाँ पे एक्सरे करने की कोशिश करता हूँ। Two for one. I'll take it. इस पूरे गेम में दो कैरेक्टर जो है वो बहुत चरांदिया दिखाए गए हैं, एक तो वो टकला कोंची और एक ये दूसरा कोटल कैंग, मतलब इन दोनों बंदों को जबरदस्ती की चरांद भाई हुई है। You tell him? Not yet. He needs to know. Busy. I will kill you both. Shinnok's been freed. He's at Raiden Sky Temple. He's already infected Earthrealm's life force. The heavens boil. Earthrealm is lost. Not if we hang together. I will appease Shinnok. Bring him your heads. Gain time to bolster Outworld's defenses. You need to help us, Kotal Kahn. It is too late for Earthrealm. Shinnok is now its master. Okay, तो अब कोटल गैंग के साथ फाइट शुरू हो गई है। अबे इतने कर रहे मूव्स हैं इसके। जब मैं इसको ऐसा कैरेक्टर खेल रहा था तब तो इतने घटिया मूव कर रहा था ये। यार इसने तो स्टार्टिंग में लाइफ इतनी कम कर दी, एक्सरे और मिस हो गया। फिर से यार पहला राउंड हार गया यार इस चैप्टर में। यार ऐसा दूसरी तीसरी बार हो रहा है कि पहला ही राउंड हार गए। तो यार यहाँ पे पहले थोड़े मूव्स देख लेता हूँ अगले फाइट को खेलने से पहले। एक तो यार इसके मूव इतने करने टफ हैं, कोई भी आसान मूव नहीं है इसका। ओके तो चलो स्टार्टिंग तो बढ़िया हुई है। अबे फिर इसने एक्सरे ब्लॉक कर दिया।
लेकिन चलो कोई बात नहीं, जरूरत नहीं पड़ेगी एक्सरे की अब। तो चलो गाइस फाइनली ये वाली फाइट भी जीत गए। You should have been with us. That's enough. अबे अब कैसे भी लड़ना पड़ेगा। Fuck me. Don't know about you guys, but I'm living the dream. You have odd dreams. Chattel, you die tonight. ओके तो सब जीरो आ गया यहाँ पे। You stood together against formidable odds. Lesser warriors would not have fared so well. Thanks, Grandmaster. I will remain here to push Kotal Kahn back to Outworld. Proceed to the Sky Temple. Earthrealm's fate lies with you.